हेलो एवरीवन, अभी का वीडियो लॉग है C30 पे। इसका आपने प्रमोशनल वीडियोस तो बहुत देखे होंगे, बहुत लोगों ने इसका वीडियो बनाया है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, मेरा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 30 जुलाई को ख़रीदा था और इसके पहले मेरे पास ये ब्लू एमर का हेलमेट कूलर भी है, इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं अभी भी यूज़ करता हूँ और काफ़ी वर्सटाइल है। इसका मॉडल है E20। बात यहाँ पे आती है कि मैंने ब्लू आर्मर का इंटरकॉम क्यों लिया, C30 इसकी वजह से लिया था कि भाई फर्मवेयर ऑन द एयर अपडेट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसकी वजह से मैंने इसका C30 लिया। इसका भी वीडियोस तो आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन मेरा रियल लाइफ का ये रहा है कि नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड। क्यों? अभी C30 तो सबके पास हो नहीं सकता। अभी इसमें ओपन इंटरकॉम है, ठीक है। हमने पैर किया था अपना जो दोस्त है बबलू जी, उनके पास है कार्डो का, कार्डो के साथ में हमने पैर किया। राइट लिंक के साथ में राइट ग्रिड तो हो नहीं सकता, राइट ग्रिड सिर्फ वो होता है C32 C30 ब्लू एमर के साथ में, और राइट लिंक बाकी के जो भी होते हैं उनके साथ कनेक्ट होता है, मतलब कार्डो हो गया और बाकी के जो इंटरकॉम्स है सेना जो भी है, यू नो। तो अभी प्रॉब्लम इसमें क्या आती है? प्रॉब्लम ऐसा है, हमने इंटरकॉम को पेयर कर लिया, ठीक है, और इसका जो रेंज है वो 50 मीटर्स। ओके, अंडरस्टैंड, 50 मीटर्स है, नो प्रॉब्लम, 50 मीटर्स है। और ठीक है, मैंने लगा रखा है इसका एंटीना भी, मैंने ऊपर करके रखा था, ठीक है। ऐसे काफ़ी सेटअप कर लिया मैंने अपने SMK के हेलमेट में। ये रहा, इसको मैं खोल देता हूँ, निकाल देता हूँ यहाँ से आपको दिखाने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम ऐसी आती है, हमने इंटरकॉम सेट कर लिया है, हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, और उसी वक्त मैंने नेविगेशन भी मैंने लगा लिया। हमको जाना था, हमको नहीं मतलब हमें जाना था बेनेली के पुणे के कंपनी के, और बेनेली के सर्विस सेंटर में जो कंपनी ओन्ड है, कंपनी का सर्विस सेंटर है, वहाँ जाना था। बबलू को तो खैर पता ही था, उसको रास्ता पता था, लेकिन एज अ मैंने नेविगेशन लगा लिया कि भाई मैंने अंधेरी जाना था और अंधेरी से हम लोग को रूट पकड़ना था। फिर मैंने घर से जब निकला था मैं, और नेविगेशन लगा के ही गया था मैं। अब ऐसा होता है, जब तक इंटरकॉम चालू नहीं हुआ था तो नेविगेशन की आवाज़ मुझे इसमें आ रही थी बराबर, और जब मैं वहाँ पहुँचा, अंधेरी बबलू से मिला और हम दोनों एक साथ जब इसको पैर किया और हम लोग निकलने लगे राइट पे टूवर्ड्स पुणे, जैसे ही डिस्टेंस बढ़ गया 50 मीटर के का जो है इसका रेंज, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट तो हो गया, और जैसे फिर हम रेंज में आ रहे थे, रिकनेक्ट नहीं हो रहे, ऑटो रिकनेक्ट नहीं हो रहा था ये। मैंने सोचा शायद ये फर्स्ट टाइम यूज़ है तो नहीं जम पा रहा होगा, लेकिन इसमें काफ़ी सिंपल है, सिंपलिस्टिक डिज़ाइन है, सिंपलिस्टिक इसका ऐप भी है। हमने सोचा ठीक है, लोनावाला में रुकेंगे तो वहाँ थोड़ा देख लेंगे, नया नया है, फर्स्ट टाइम है, कुछ नहीं हो रहा हो पा रहा होगा तो ठीक है। लोनावाला पहुँचते पहुँचते हम कम से कम 4-5 बार हम साइड में लेके बाइक को वही रिकनेक्ट कर रहे हैं। अभी आपको ही पता है, बारिश का टाइम है, ग्लव्स निकालो, बाइक को साइड में पुल आउट करो और ग्लव्स निकालो, वापस ऐप में जाओ, वापस से पैर करो। दिस वॉज रियली पेनफुल। लोनावाला पूछे, वहाँ हम लोगों ने एक जगह मतलब रेस्टोरेंट के यहाँ पे रुके, हम लोग चाय वाय पी, नाश्ता किया, और उस वक्त हम लोग वापस वीडियो देख रहे थे कि किसी ने अगर बनाया होगा कुछ, होगा इसमें कुछ ना कुछ, कहीं लिंक मिल जाए, कुछ ऐप होगा, कुछ होगा, नहीं कुछ नहीं। तो बात ऐसी रही कि हमने वहाँ इसके पीछे बहुत टाइम वेस्ट किया, बीच रास्ते में बार बार रुक के भी टाइम वेस्ट किया इसको पैरिंग के अंदर, और फिर जब बैनली शोरूम में पहुँचे, बाइक तो गई नहीं थी अपनी वहाँ पे सर्विस सेंटर में,
उस दौरान भी हम लोगों ने इसके पीछे काफ़ी स्टडी की, काफ़ी फील्डिंग की, इसको रिसेट भी मारा, फैक्ट्री रिसेट मारा, मोबाइल को रिस्टार्ट किया, दोनों के मोबाइल को रिस्टार्ट किया, उसके कार्डू को भी हमने बबलू के कार्डू को भी फैक्ट्री रिसेट किया, उसके मोबाइल का भी रिस्टार्ट मारा, सब कुछ कर लिया भाई। इसमें प्रॉब्लम है, मतलब पता नहीं मेरे यूनिट में प्रॉब्लम है कि ये इनके ऐप में प्रॉब्लम है ऑटो कनेक्शन के अंदर। अब ऐसा है कि इंटरकॉम में अगर बात कर रहे हैं और मैं अगर नेविगेशन लगा के रखा है, तो नेविगेशन की जो आवाज़ आ रही थी वो काफ़ी क्रैकी थी और लो थी एकदम। मतलब ऐसा होता ना, ब्रिज नहीं हो पा रहा, मतलब मैच नहीं हो पा रहा। और तीसरा ये है कि अगर हम लोग इंटरकॉम में बात कर रहे हैं, हमारा कनेक्टेड है और मुझे अगर कॉल आ रहा है, फ़ोन कॉल आ रहा है, तो ऑटो कनेक्ट नहीं हो रहा था वो। अभी ऑटो कनेक्ट होना चाहिए। अभी बाइक दोनों हाथ से चला रहे हैं यार, आप हमेशा, आप ट्रैफिक में अगर आप फंसे हो कहीं, हो स्लिपरी रोड हो, तो आपको पता है कि आपको बाइक के दोनों हैंडल, मतलब सॉरी, दोनों हाथों से हैंडल, मतलब हैंडलिंग करना पड़ेगा। आप ऐसे दबा नहीं सकते इस बार इसको बार बार, यू नो, आंसर करने के लिए। ऑटो तो ऐप में डाल के रखा, ऑटोमेटिक इसमें होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो इसमें काफ़ी खामियां लग रही हैं मुझे, क्योंकि जब ये प्री लॉन्च हो रहा था तब भी मुझे ऑफ़र आया था इसका, 7,000 के आसपास मिल रहा, तब भी मैंने इसको लिया नहीं। मैं रुका रहा कि भाई इसमें इम्प्रूवमेंट्स होगी, मतलब कोई भी चीज़ नहीं आती तो उसमें तो प्रॉब्लम्स आते ही हैं, मतलब रिवीजन जब होगा जब लूँगा। तब तो मैंने सोचा ठीक है, अभी टाइम आ गया, ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो चुके हैं, जो भी है 7-8 महीने, अब ले लेते हैं। मैं इंटरकॉम ढूंढ ही रहा था, क्योंकि मैंने ब्लू आमर वालों को बोला था कि भाई ऐसा कुछ हेलमेट कूलर बनाई है, उसमें कुछ वेरिएंट बनाई है जिसमें इसमें इंटरकॉम भी आ जाए, और इसमें और भी कुछ वेरियंट्स बनाई जिसमें इंटरकॉम भी, कूलर भी हो, इंटरकॉम भी हो और कैमरा भी हो जिसमें रिकॉर्डिंग की जाए। पता नहीं अब कब तक ये लोग सुनेंगे, कब तक करेंगे ये लोग। कंपनी अच्छी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट इनके अच्छे हैं, क्वालिटी है, और मटेरियल के अंदर भी क्वालिटी है इसके अंदर, नो डाउट। तो इनमें सुधार करना है इनको, मैं तो इसको बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ मैं इससे। और इसमें अगर ये बोल रहे हैं साउंड बाय JBL का जो साउंड है, उससे मैं खुश, मतलब इतना इम्प्रेस नहीं हुआ मैं। इसमें बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है इसमें, यू नो, लाइक ये टू फ्लो ऑडियो वीव टेरा स्पॉट, ये वो राइट ग्रिड मैश इंटरकॉम ब्लूटूथ 5.1 साउंड बाय JBL। और मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ इसके साथ में, वो भी सैमसंग का A34 है, लेटेस्ट वाला है, 5G वाला, कोई ऐसा मतलब कोई पुराना फ़ोन नहीं है कि भाई इनकॉम्पिटेबल हो और काम नहीं कर रहा हो। और मैंने इनके सर्विस सेंटर में मैंने इनको मैसेज डाला था, तो उन्होंने मेरे को इसका परचेज डे, इसके बिल पूछा और इसका जो भी है डिटेल्स पूछी। वो तो अभी मैंने लेटेस्ट अभी 30 जुलाई को लिया था, तो मैं उनको सब भेज दिया है और मैं उनको अपना प्रॉब्लम्स बता दिए। सेफ्टी रीज़न ये है कि भाई अगर ऐसे डिसकनेक्ट होता रहेगा, आप बार बार हाईवे पे रुकोगे तो नहीं यार, बहुत सी बार क्या है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जितना कम इसमें इंटरफेरेंस हो वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम गाड़ी साइड में ले रहे हो, रुका रहे हो, वापस कनेक्ट कर रहे हो 2-3 बाइक से, उसके साथ आप वापस कनेक्ट कर रहे हो। तो ये शायद एक काम करता होगा ब्लू ब्लू एमर C32 C30 करता होगा, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हर कोई तो ब्लू एमर ले नहीं सकता है, हर कोई कार्डो नहीं ले सकता, हर कोई सेना नहीं ले सकता है। तो भाई इसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए, ठीक है। और सेफ्टी तो यही है इसके अंदर कि भाई इसको जितना आप मिनिमिस्टिक इसका ये रखोगे, इंटरफेरेंस फ्रॉम द राइडर, उतना अच्छा होगा। एक बार सेट कर दिया ऐप पे, इसके साथ पैर हो जाना चाहिए, और इंटरकॉम अगर पैर करके रखा है दूसरे इसके साथ में, मॉडल के साथ में, तो ऑटो रिकनेक्ट होना चाहिए हमेशा। तो हम 50 मीटर का डिस्टेंस बना के तो नहीं चल सकते, हाईवे पे बहुत सी बार आगे पीछे होता ही है, एंड इट्स रियली पेनफुल। मेरे साथ ये बहुत
मतलब ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। हम लोगों ने कल फॉग में भी गाड़ी चलाई थी पुणे जाते वक्त और आते वक्त भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।